أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل फराजहम। आयतुल्ला हसन ज़ादा आमली हाफिज़हुल्लाह, खुदा उनको लंबी उम्र दें, अलील भी हैं और खुदा उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फ़रमाए। वो एक दफ़ा फरमाते हैं, अलबत्त ये वाक़या उनके शागिर्दों से नकल हुआ है, फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और बच्चे खेल रहे थे। अब आयतुल्लाह हसन ज़ादामी खुद एक लतीफ़ शख्सियत है, बहुत ही, अब जिसको कहते हैं ना, प्यारी शख्सियत है, जिसको देखकर इंसान को खुशी महसूस होती है, मुलायम की एक यानी एहसास होता है इंसान को, ऐसा लगता है कि इसके इस शख्सियत को कभी गुस्सा नहीं आता है। और वाकया आयतुल्लाह हसन ज़ादे आमली ऐसे ही हैं, कभी भी गुस्सा नहीं आता और बहुत ही लतीफ़ और प्यारी शख्सियत हैं। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम बैठे हुए थे फैमिली के साथ, तो बच्चे भी खेल रहे थे, तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया सही, और मैंने डांटा उनको और स्कोल्ड किया बच्चों को मैंने। तो जब ये हो गया तो मुझे बाद में बहुत ही पछतावा हुई कि ये मैंने क्या काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आयतुल्ला अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैहि के, जिनका नाम हमने कई दफ़ा लिया है इन लेक्चर्स के अंदर और जिनकी अलमीज़ान तफसीर से हम इस्तफादा करते हैं, उनके भाई जिनका नाम है आयतुल्ला हसन इलाही तबातबाई, जो कि नाशनाख्ता शख्सियत है, अननोन शख्सियत है हमारे लिए, और जो एक बहुत बड़े आरिफ इंसान कामिल, साहिबे मुकाशिफा, साहिबे मुशाहिदा, आलम शुहूद में ज़िंदगी गुजारने वाले शख्सियत, ये अल्लामा हसन ज़ादा आमली जाते हैं इनके पास और ताकि और इनसे शेयर करें कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने बच्चों को डांटा है और मैं इस वक्त बहुत ही उदास हूँ और डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। ये जाते हैं ट्रैवल, यानी एक दूसरे शहर में होते हैं आयतुल्ला हसन इलाही तबातबाई और अल्लामा हसन ज़ादा आमली, शायद कुम से जाते हैं उस शहर में, इनसे मिलने जाते हैं इनके घर में। और जब ये वाकया अर्ज़ करते हैं कि खिदमत में, तो अल्लामा हसन इलाही तबातबाई फरमाते हैं कि आयतुल्ला काजी तबातबाई रहमतुल्ला अलैह, जो आप ये समझे कि उस्ताद उरफा है, आयतुल्ला काजी तबातबाई उस्ताद उरफा जो उस वक्त फौत हो चुके थे जब ये वाकया हुआ था, ये फरमाते कि आयतुल्ला काजी तबातबाई मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने ये मुझसे फरमाया कि अल्लामा हसन ज़ादा आमली से कहो कि इस तरह इमाम ज़माना का साथ देते हैं, इस तरह इमाम ज़माना की तुम नुसरत करोगे, तुमसे अपना गुस्सा ही नहीं संभाला जाता। आप देखें अल्लामा आयतुल्ला काजी तबातबाई वो शख्सियत हैं जो बरजख में भी आलमे दुनिया में बाज़ अफराद से इर्तिबात रखते हैं, बरजख से, ये यानी इस कदर इनकी वो आप कहते हैं ना पहुँच है इस शख्सियत की। तो देखें, हमें अब यहाँ पर अल्लामा हसन ज़ादा आमली को शदीद एहसास हुआ और वाकियन ये ऐसी शख्सियत नहीं कि जिनको गुस्सा आए और फौरन बच्चों को डांटे, नहीं, बच्चों से प्यार करने वाली शख्सियत। नॉर्मल हम जो होते हैं वो फौरन, चूंकि हमारे अंदर हौसला नहीं होता है तो हम फौरन डांट देते हैं, लेकिन अल्लामा हसन ज़ादा आमली को आयतुल्ला काजी तबातबाई बरजख से आकर अल्लामा हसन इलाही तबातबाई के ख्वाब में आकर फरमा रहे कि अल्लामा हसन ज़ादा से कहो कि इस तरह इमाम का साथ नहीं दे सकते। तो हमें अपने एक्शंस और अपने आमाल पर कंट्रोल करना चाहिए, सोच समझ कर, तदब्बुर, गौर व फिक्र के साथ, जिस तरह हदीस मारूफ है इमाम अली अलैहिस्सलाम की, इंग्लिश में बहुत प्यारा लगता है जब इंग्लिश में इसको कहें कि थिंक बिफोर यू स्पीक, सही है, बोलने से पहले सोचो, यानी अमल करने से पहले सोचें इंसान।
ऐसा ना हो कि हम अपने आमाल से इमाम जमान अलैहि सलाम को नाराजी और नाराज कर रहे हों। इंशाअल्लाह खुदा हमें तौफीक दे हमें कि हम इस माह रमज़ान पर ये कंट्रोल सीख लें इंशाअल्लाह। बात पहुंची थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त खुदावंद मुताल से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि शैतान ने ये डिमांड्स की हैं, ये दरख्वास्तें की हैं खुदावंदे तबारक व तआला से, तो यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रब सल्लतहू अला वल्दी, खुदाया तूने उसे यानी शैतान को मेरे फर्जंदों पर मुसल्लत कर दिया है। वह अजरैतहू मजरद्दम फिल उलूक, और उसे हमारी या मेरे बच्चों की इंसान, बल्कि आप कहें इंसान इंसान के खून की रगों में उसे जारी कर दिया है। वह आतैतहू मा आतैतहू, और जो जो है तू उसे अता करना चाहता था तूने उसे अता कर दिया। फमाली वली वुल्दी, खुदाया मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ता कयामत क्या तूने रखा है। अब यहां पर खुदावंद मुताल ने, और ये कल बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि ये जो स्टाइल है, जो अदब है, जो गुफ्तगू करने का अंदाज है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, कि फमा अली वली मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए क्या है खुदाया, तू हमें क्या अता करेगा, यानी हजरत आदम ने खुदावंद मुताल के करम पर छोड़ दिया है कि तू खुदाया तू अपने करम से मुझे दे। यहां पर मैं कल ये बात कहना चाह रहा था क्योंकि चूंकि टाइम खत्म हो चुका था, तो वो बात अब यहां मैं करूंगा। वो क्या है कि जब हम कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा के करम पर छोड़ दिया, देखिए हम जब अपने आमाल अंजाम देते हैं, अमल सालेह अंजाम देते हैं, मसलन सदका, सही है हर कोई सदका देता है अल्हम्दुलिल्लाह, सदके का रिवाज हमारी फैमिलीज में, हमारे कम्युनिटी में और हमारे कल्चर में मौजूद है, रोज़ाना सदका देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बहुत असरात हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, वो ये कि हम जब सदका देते हैं तो एक लिमिट सेट करते हैं। क्या मतलब लिमिट सेट करते हैं, इसको हम अरेबिक में कहते हैं या फारसी में कहते हैं हद लगाना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, यानी हम हद बांधते हैं, हम लिमिट सेट करते हैं। वो क्या लिमिट है, मतलब ये नहीं है कि मसलन 50 रुपये सदका देना है और ये लिमिट है, नहीं मतलब ये नहीं हो रहा है, मतलब बात ये हो रही है कि हमारे जहनों में जो नीयतें होती हैं सदका देते वक्त, वो क्या नीयत होती है, खुदाया मैं 50 रुपये दे रहा हूँ तू इसको डबल कर दे, खुदाया मैं 50 रुपये दे रहा हूँ तू मुझे 100 रुपये वापस करके लौटा, क्योंकि अहादीस में कि खुदा के जब इंसान सदका देता है तो खुदा उस सदके के असर में इंसान को वापस लौटाता है। अब कितना वापस लौटाता है, ये जो कितना वापस लौटाता है खुदावंद मुताल, यहां पर हम लिमिट सेट करते हैं जो कि गलत काम है। मसलन खुदा मैं 50 रुपये दे रहा हूं तू मुझे 100 वापस कर, ये हद बांधना गलत है। अगर हम 100 रुपये की नीयत करें खुदा मुझे 100 रुपये वापस है, तो खुदा 100 से ज्यादा नहीं देगा, बात ये है असल में। लेकिन अगर हम हद ना बांधे, लिमिट सेट ना करें, खुदाया मैं 50 रुपये दे रहा हूं तू अपने कदम से मुझे वापस लौटा, तो यहां पर खुदा अनलिमिटेड आपको वापस लौटाएगा। और खुदा का करम आप जानते हैं, खुदा करीम, खुदा के करम में कोई लिमिट नहीं है इंसान के लिए। खुदा जब अपने करम के मुताबिक देगा तो वो अपने करम के औच के मुताबिक देगा। खुदा का करम, खुदा का करीम होना हमारा करीम होने की तरह नहीं है, हम जब करीम होते तो बहुत बहुत यानी कुछ एक लिमिटेड अमाउंट किसी को दे देते हैं चैरिटी की खातिर, उसमें भी लिमिट होती है, सही है। कोरोना के अय्याम में खुदा सबको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं इन्हीं अय्याम में, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बरकात का बायस बनेगा इंशाअल्लाह, यही मदद करना लोगों का। लेकिन जब आप देखें मदद की जाती है उसमें भी एक लिमिट होती है, सही है। मसलन किसी ने चैरिटी की अपील की है तो आपने या मैंने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये दिए,
सही है, अगरचे मेरी जायदाद में मुमकिन है बहुत बड़ी अमाउंट हो, सही है मेरे बैंक बैलेंस में, लेकिन 10,000 रुपये निकाल देते हैं यार, कोई मसला नहीं है। अब ये 10,000 लिमिट है। अब आया मैं करीम नहीं हूं, मैं करीम हूं लेकिन 10,000 की हद तक हूं मैं। लेकिन खुदाया, खुदावंद मुतआल आया, उसकी करम जो है, उसका करम फकत इसी हद तक है, नहीं उसका करम बे इंतहा है। बस हम जब सदका देते हैं, सही है, तो हमें खुदा के कदम पर छोड़ना चाहिए, हम यहां पर लिमिट सेट ना करें। इसी तरह हर अमले हसना में, सही है, अब मेरे जहन में और अमले हसना की मिसालें नहीं है, लेकिन सदका जो एक कॉमन अमल है जो अंजाम पाता है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आपकी खिदमत में पेश की। आप इसी को जो है वो दीगर अमाल जो आपके जहन में आ रहे हैं, जो आप रोजाना अंजाम देते हैं, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, कि हम लिमिट सेट ना करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि खुदा करीम है, बस इसी वजह से फरमाया फमा अली वाले वल्दी, बस मेरे लिए और मेरी वुल्द और मेरे बच्चों के लिए खुदा, तूने क्या अता करने का इरादा किया है। तो आप देखें, खुदा वंदे मुताल ने फरमाया लका वले वुल्दिक सय्यअतु बिवाहिदतिन, इसको इस तरह पढ़ूं तो बेहतर है, लका वले वुल्दिक, तेरे लिए और तेरे फर्जंदों के लिए, असय्यअतु बिवाहिदतिन वलहसनतु बिअशरति अम्थालिहा, यानी जब इंसान बुरा काम अंजाम देता है, बदी अंजाम देता है, गुनाह अंजाम देता है, तो उसका गुनाह फकत एक मरतबा लिखा जाएगा, लेकिन अगर इंसान एक हसना अंजाम दे तो उसके नतीजे में 10 हसनात लिखे जाएंगे। अगर मैंने और आपने किसी को चैरिटी दी है एक मरतबा, तो मेरे और आपके नामाए आमाल में, यानी अगर मैं, ऐसा ना हो कि, ऐसा नहीं है कि मैं अगर चैरिटी अंजाम देना तो आपके नहीं, ऐसा नहीं है, अगरचे आमाल के आसार में, इफेक्ट्स में ये बयान हुआ था, सही है, लेकिन एक मिसाल है, फर्ज कि अगर आप चैरिटी अंजाम दे रहे हैं तो नामाए आमाल में 10 चैरिटी लिखी जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ 10 10 नामाए यानी किताबत की हद तक नहीं है। इसको कल हमने बात शुरू की थी कि ये फकत किताबत की हद तक नहीं है, बल्कि ये असर है और असर वजूदी है। सही है, इस इस्तिलाह से आप खौफ ना खाएं, ठीक है, अब इसी को बात करें, और ये बात कल हुई थी कि ये जो खुदावंद मुताल ने फरमाया है लका वले वल्दिक अस्सय्यतु बिहवाहिदतिन वलहसनतु बिअशरति अम्सालिहा, ये इंसान के स्ट्रक्चर ऑफ वजूद, साख्तारे वजूदी के अंदर ये रखा गया है, ये एक सिस्टम है खुदावंद मुताल का, सिर्फ नामाए अमल में किताबत नहीं है, बल्कि सिस्टम रखा गया है खुदावंद मुताल ने, इसको हमारे वजूद में एक निजाम, एक मंजूमा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस की हद तक हमें हमारे अंदर रखा है, तो हम इसको सिस्टम के अंदाज में, वो सिस्टम क्या था आपके सामने कल पेश किया था, वो ये था कि आमाल हसना या हसना, हसना को फिलहाल सिंगुलर लेते हैं, मुफरद हसना जो है ये इंसान के वजूद के साथ मुलाइम है, इंसान के वजूद के साथ साजगार है, इंसान के वजूद के साथ क्या है, मुताबिकत रखता है, यानी इंसान आमाल हसना की जानिब फौरन मेल्ट हो जाता है, फौरन अट्रैक्ट हो जाता है, उसको सोचना नहीं पड़ता उसे अंजाम देने के लिए। सही, मैंने आपको पानी की भी मिसाल दे दी, वो मिसाल जहन में लेकर आए दोबारा, कि जब इंसान पानी में फ्लो करता है, स्विमिंग करने जाता है, तो पानी जब एक फ्लो में होता है और इंसान उसी फ्लो के साथ स्विमिंग करता है और तैरने की कोशिश करता है, जब एक कदम, एक हाथ पांव मारता है, तो वो पानी का जरियान और फ्लो बाइस बनता है, उसकी स्पीड बाइस बनती है कि इंसान एक कदम से 10 कदम आगे ऑटोमेटिक उसके बढ़ जाते हैं, ये पानी के फ्लो का नतीजा है। क्यों? क्योंकि इंसान उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरह पानी जा रहा है। लेकिन अगर इंसान पानी के, अब ये फ्लो है, इंसान मुखालिफ समत और डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहां पर उसको जहमत और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सही, ये सय्यअ की मिसाल है, ये बुरे आमाल की मिसाल है, जब इंसान बुरे आमाल अंजाम देता है तो ये उसके वजूद के साथ साजगार नहीं है, अपने वजूद के साथ मुताबिकत
नहीं रखता है। ये कल हमने बात की थी, मैंने सोचा एक खुलासा और मुख्तसर से आपके सामने पेश कर दूं ये बात। इसी तरह एक हसना अमल, एक सालिहा अमल ना फकत इंसान के वजूद के साथ साजगार और मुलायम और मुताबिकत होता है, मुताबिकत रखता है, बल्कि इस पूरे निजाम हस्ती के साथ मुताबिकत रखता है। सही है, इसी वजह से जब इंसान एक अमल हसना अंजाम देता है तो पूरा आलम हस्ती खुशहाल होता है और पूरा आलम हस्ती उसकी इमदाद करता है, उसकी हेल्प करता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसको हम छोटा ना लें। सही, ये दीनी तालीमात में, अहादीस की तालीमात में, मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम में, हमारे उलमा और मुफस्सिरीन के कलाम में ये बातें मौजूद हैं। अब चूंकि मैं और आप, शायद मेरा गुमान है कि हम इन बातों को पहली दफा सुन रहे हैं, तो इस पर यकीन करना आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, पूरा आलम हस्ती इंसान की इमदाद के लिए आता है जब वो अमल हसना अंजाम देता है। सही, और जब सैया अंजाम देता है तो ये सैया और गुना को अंजाम देना ये ऐसा ही है जैसे पानी के अंदर, जरियान के अंदर मुखालिफ सम्त में जाना है। पूरे निजाम हस्ती के ये अमल खिलाफ होगा। ये निजाम हस्ती रिएक्शन दिखाएगा, यहां पर नाराहत होगा, उदास हो जाएगा। सही, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा ये पूरा आलम हस्ती उस एक गुनाह की वजह से। खूब, ये कल बात हुई थी। ठीक है, देखें खुदावंद मुतआल ने इस आलम को, इस दुनिया को, दुनिया ना कहे, दुनिया जब जहन में आता है तो हमें ये सिर्फ ये अर्थ हमें जहन में आती है, नजर आती है, नहीं, हम आलम, आलम यानी अवालिम, आलम मिसाल, आलम बरजख, आलम कयामत, आलम मलकूत, जबरूत, और उसमें से एक ये छोटा सा आलम जिसमें हम जिंदगी गुजारते हैं, यानी आलम अर्व, आलम दुनिया। खुदावंद ने इन तमाम, इस पूरे आलम हस्ती को, कुरान में भी आए, हक की बिना पर खल्क किया है, हक की बुनियाद पर खल्क किया है। ये आलम हस्ती दर हकीकत खुदावंद मुताल के इरादे की तरफ, इरादे की जहत में और डायरेक्शन में हरकत कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? दोबारा, ये आलम हस्ती खुदावंद मुताल के इरादे की जानिब, इरादे के डायरेक्शन में हरकत में मशगूल है। बस अगर ऐसा है और पिछली बातों को जहन में लाएं, तो आप मुझे बताएं, अगर इंसान एक गुनाह अंजाम दे और ये गुनाह पूरे आलम के खिलाफ हो, पूरे आलम हस्ती के खिलाफ हो, उस डायरेक्शन के खिलाफ हो जिस डायरेक्शन में खुदावंद मुताल का इरादा है, बस आप बताएं, अब ये एक गुनाह अंजाम देना कितना वहशतनाक होगा, आलम में क्या, अब इसको फारसी में कहते हैं गौगा, गोगा यानी आलम में क्या मारका ईजाद कर रहा होगा। सही है, आलम के अंदर क्या हलचल मच रही होगी इस एक गुनाह की वजह से, इस एक गुनाह की वजह से क्या जलजला आलम हस्ती में बर्पा हो रहा होगा, हमें नहीं मालूम है। एक अमल की वजह से, एक बुरे अमल की वजह से तमाम आलम की कैलकुलेशंस, आप सोचें खुदा ना खासा नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव कैलकुलेशंस की सूरत में ना हरकत ना कर रही हूं। सही है, तो आप देखें इसी वजह से हम कहते हैं इंसान के आमाल के असरात हैं, दुनिया में भी, बरजख में भी, आखिरत में भी, और जो वाकयात और हवादिस पेश आते हैं इनके अंदर भी। ऐ काश हम गफलत से बाहर आ जाएं, ऐ काश हम गफलत से बाहर आ जाएं। हम समझते हैं कि तौबा सिर्फ गुनाहों से होती है, नहीं, तौबा गफलत से भी होती है। अगर हम इन मतालिब के जरिए हमारे अंदर 1% भी, 1% भी अवेकनिंग और बेदारी आ रही है, तो यहां पर तौबे का मकाम है, यहां पर तौबा होनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, और माह रमजान बेहतरीन महीना है इस काम के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए। अब एक और पॉइंट, इससे पहले हम आगे बढ़े, ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो ये कि आप देखें, अब ये सारी बातें जो आपकी खिदमत में अर्ज की, हसना उसके असरात,
आलम हस्ती के साथ उसकी मुलायमत सही है, और सैया और उसके असरात आलम हस्ती के खिलाफ मुताबिकत ना होना। दो निगाहें मौजूद हैं, दो निगाहें मौजूद हैं, वो क्या है? अब इसी हसना से हम नतीजा ले रहे हैं और इसी सैया से हम निजात, सॉरी क्या ले रहे हैं, नतीजा ले रहे हैं, वो ये है कि इलाही निगाह में, इलाही व्यू पॉइंट में, इलाही ऐनक में असल निजात के ऊपर है। असल किसके ऊपर है? यानी आप ये समझे, कायदा, कायदा क्या है? निजात के ऊपर है। खुदावंद मुताल ने इस तरह आलम हस्ती को बनाया है, इसके कवायद को बनाए हैं और इसकी कैलकुलेशंस को खुदावंद मुताल ने बनाया है कि ये तमाम कैलकुलेशंस आलम हस्ती की किसके इरादे के मुताबिक है? खुदावंद मुताल के इरादे, चूंकि खुदावंद मुताल के इरादे के मुताबिक है, बस कायदा निजात के ऊपर है। किसकी निजात के ऊपर? इंसान, इंसान की निजात के ऊपर है। ये इलाही निगाह है। शैतानी निगाह भी मौजूद है। शैतानी निगाह क्या है कि असल और कायदा गुमराही के ऊपर है। सही है, इसी वजह से आप देखें यहां पर एक और पॉइंट अजीब है। खुदा की रहमत आप देखें किस कदर वासे और वसी है। आप देखें एक इंसान, एक मुसलमान की मिसाल है, ठीक है, जब एक मुसलमान गुनाह अंजाम देता है और गुनाहों को तिकरार करता है, ठीक है, आप यूं समझें, ठीक है, एक इंसान है, उसकी बेहतरीन जॉब है और आप समझें 2 लाख पाकिस्तानी रुपए वो कमाता है, ठीक है, उसके पास गाड़ी है, इंश्योरेंस है, मेडिकल सब कुछ, एवरीथिंग, उसको घर भी दिया गया है बैंक की तरफ से, उसके हालात बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, सही है, उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं और बहुत ही हंसी खिलती फैमिली है, घूमने जाते हैं, साल में एक दफ़ा ज़्यारत के लिए भी चले जाते हैं, एक साल में फॉर एग्ज़ाम्पल मरी चले गए और घूमने चले गए, पहाड़ी इलाकों में चले गए और सब कुछ बेहतरीन लाइफ, सही है, जिसको आप और मैं बेहतरीन और आइडियल लाइफ समझते हैं, वो इनके साथ हो रही है, वो गुजार है। लेकिन यही शख्स जो जॉब कर रहा है और द हेड ऑफ द फैमिली है, ये एक गुनाह में भी मशगूल है, नमाज भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे सब कुछ, अहकाम खुदावंद को भी अंजाम दे रहा है, लेकिन गुनाह में भी मशगूल है, और चूंकि गुनाह में मशगूल है, मुसलसल गुनाहों में मशगूल है, ये इस कदर गुनाहों के अंदर यानी मशगूल और बिजी है, इसके सबकॉन्शियस में ये बैठ चुका है शैतान के वसवसों की वजह से कि ये गुनाह गुनाह नहीं है, तुम इसको जारी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खुदा की रहमत का तकाजा आप देखें, चूंकि कायदा यह है खुदावंद मुताल का कि असल निजात पर है, एक ये कायदा, दूसरा दूसरा जो कायदा है वो दूसरा कायदा नहीं है, वो बुनियादी कायदा है। वो बुनियादी कायदा क्या है? वो बुनियादी कायदा यह है कि असल रहमत के ऊपर है। सबकत रहमत बर गजब, खुदा की रहमत हमेशा सबकत लेती है गजब पर। खुदा के इरादे का तकाजा ये कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा अपनी रहमत को बजा लाए, अपनी रहमत के कायदे को बजा लाए। ये जो कायदा है सबकत रहमत बर गजब, इसके नतीजे में ये कायदा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया वो क्या है कि असल बर निजात है, कायदा निजात के ऊपर है। अब चूंकि ऐसा है, रहमत खुदा उसके गजब के ऊपर ज्यादा हावी है, अब ये ज्यादा ये जो ताबीर है ये हमारी ताबीर है, सही है, वहां पर आलम खुदा के अंदर इस तरह की ताबीरें नहीं है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, अल्फाज के अंदर असीर हैं और ये अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, तो ये ज्यादा कम के जो अल्फाज निकलते हैं तो खुदा हमें माफ करे बिलाखिर। चूंकि रहमत खुदा सबकत रखती है उसके गजब पर, तो खुदावंद मुताल, अब आप देखें किस तरह खुदावंद मुताल इस शख्स के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर रहमान और रहीम है। कैसे? जब ये शख्स गुनाहों में मशगूल है, ठीक है, इसकी फैमिली बेहतरीन है, इबादत अंजाम दे रही है सब कुछ, लेकिन ये शख्स गुनाहों में मशगूल है, ठीक है, खुदावंद मुताल फौरन उसके गुनाहों के बदले में सजा नहीं देगा। खुदा यहां पर एक सुन्नत को बजा लाता है। वो कौन सी सुन्नत है खुदा की? वो है मोहलत देना।
खुदा हमेशा मोहलत देता है इंसान को, ये खुदा की सुन्नत है, उसकी रहमत की वजह से। ये शख्स जो गुनाहों के अंदर मशगूल है, 1 साल 2 साल 3 साल गुनाहों में मशगूल है, लेकिन कोई सजा नहीं है खुदावंद मुताल की तरफ से। उसकी फैमिली लाइफ, उसकी फाइनेंशियल लाइफ, उसकी सिले रहमी, सब कुछ अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि नहीं, यहां पर खुदा जो मोहलत देता है उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। नतीजे में ये शख्स कैंसर का मरीज हो जाता है, या इसकी वाइफ मौत का शिकार हो जाती है, या इसके बच्चे बीमारी में मशगूल है। ठीक है, देखिए ये मुख्तलिफ जो मुश्किलात अब इसको महसूस हो रही हैं, सही है, या ये फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो जाएगा, या इसके बच्चे बीमार हो जाएंगे, या इसका बच्चा फौत हो जाएगा, या इसकी वाइफ फौत हो जाएगी, या बीमारी का शिकार हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी इसकी लाइफ लाइफ में। क्यों? अब मोहलत का टाइम तमाम शुद, खलास। देखें खुदा ने 5 साल इंतजार किया, 6 साल खुदावंद मुताल ने वेट किया कि ये शख्स शायद इस्तगफार कर ले, शायद वापस लौट आए, लेकिन नहीं लौट आया ये शख्स। नतीजे में खुदा ने इसकी फैमिली में मुश्किलात खड़ी करना शुरू की। और ये मुश्किलात भी क्यों हैं? इंतकाम की वजह से नहीं, ये मुश्किलात भी खुदा की रहमत का नतीजा है। ये मुश्किलात भी इसी वजह से खुदावंद मुताल चाहता है कि ये निजात पा जाए। अगर इन मुश्किलात के बाद इसने तौबा कर ली तो इसकी फैमिली और इसके अपने हालात, जो अच्छे हालात है, मुस्बत पॉजिटिव हालात है, ये वापस आ जाएंगे, ये वापस लौट आएंगे, इसके हालात ठीक हो जाएंगे। खुदा चाहता है मेरा बंदा मेरे पास वापस आए। इस वजह से कहते हैं खुदाया, खुदावंद मुताल माँ से ज्यादा मेहरबान है, माँ से ज्यादा रहीम और रऊफ और करीम है। बस हम कोशिश करें ये निगाह अपने अंदर ईजाद करें और इसके मुताबिक अपने 24 आवर्स और अपने आमाल को तंजीम और प्रोग्राम करने की कोशिश करें। अच्छा, यहां पर अब एक और पॉइंट आता है, यहां पर एक अजीब, एक नया आलम, एक नई यूनिवर्स इंसान के सामने खुलती है। मैंने आपके सामने कहा आलम है मलकूत, आलम है जबरूत, तो ये सारी चीजें, एक और आलम मौजूद है। सही है, हम इसी बहस में हैं, सही है, वी आर इन दिस टॉपिक, हम बहस से साइड अवे नहीं हो रहे हम। वो क्या है? वो ये है कि वो आलम बताएं कौन सा है। एक हदीस आपके सामने मैं पेश करता हूं, वो आप खुद डिसाइड करें, वो गेस करें वो क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। नबी अकरम फरमाते हैं इन्नमल अमालो बिन्नियात, इन्नमल अमालो बिन्नियात। इसका सादा तर्जुमा यह है कि अमाल नियात और नियतों के तो फैल है, नियतों के बदले पर है, नियतों पे डिपेंडेंट है आमाल। सही, यहां पर एक आलम हमारे सामने खुलता है, वो है आलम नियात, नियतों का आलम, जो कि इस कदर वसी और लामहदूद आलम है। बाज औकात इंसान एक हसना अंजाम देना चाहता है, मसलन अरबईन पे जाना चाहता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलों पे जाना चाहता है। एक शख्स का मैं वाकया आपको सुना था, बहुत ही खूबसूरत वाकया है। एक शख्स था यहीं पर, ये ईरान का ये वाकया है। वो वाकया ये कि ये शख्स बेचारा हर साल नियत करता था कि मैं जाऊंगा चहलों पर, अरबईन पर, करबला। तैयारी, जब भी अरबईन का मौका आता था ये तैयारी करता था, रेडी होता था, ठीक है, अपना बैग पैक करता था और बॉर्डर पर आ जाता था, यानी ईरान और इराक का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर पे ये आ जाता था। लेकिन इस बॉर्डर को क्रॉस करने के काबिल नहीं था, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर कमजोर था। हर साल ये तकरार होता था, एवरी ईयर ही यूज टू कम, हर साल वो आता था और बॉर्डर पे आता था और जायरीन से कहता था कि मेरा सलाम इमाम हुसैन तक पहुंचाना, और ये कहकर बॉर्डर से वापस अपने शहर, अपने घर पे आ जाता था। एक साल ऐसा हुआ कि ये आया बॉर्डर पर और एक शख्स उसको वहां पर मिला बॉर्डर पर, उस बॉर्डर पर वहां पर उस शख्स को कहा कि तुम जा रहे हो हुसैन इब्ने अली की जियारत के लिए,
एक काम मेरा करना। वो काम क्या है? वो काम ये कि मेरा सलाम इमाम हुसैन का पहुंचाना। अब आप देखें होता क्या है। ये शख्स जो जाहिर है, जो जाता है वहां पर जियारत के लिए, हरम में जाता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस शख्स का सलाम पहुंचाता है। उसी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस शख्स के ख्वाब में आते हैं। किस शख्स के ख्वाब में आते हैं? यानी ये शख्स जिसने सलाम पहुंचाया है, ठीक है, सही। अब वो ख्वाब में आते हैं, अब नहीं पता, अब मैं आपको बताऊंगा वो क्या कहते हैं। अब ये शख्स आता है ख्वाब देख, ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखता है और फिर वापस आता है बॉर्डर पर, जब वापस जियारत करके बॉर्डर पर, ये शख्स वहीं पर मिलता है उसको। इत्तेफाकन ये शख्स वहीं पर मिलता है। वो शख्स इसको कहता है कि इमाम हुसैन ने आपको सलाम दिया है और ये कहा कि तुम्हारी जियारत कबूल हो चुकी है। देखें, ये है नीयत का कमाल, ये है द पावर ऑफ नीयत, ये है आलम नियत, कि जब इंसान एक हसना, एक अच्छा अमल, नेक अमल अंजाम देने की ख्वाहिश रखता है और नियत करता है। नियत से मुराद ये नहीं है कि मैं 10 साल बाद एक मस्जिद बनाऊंगा, सही है, और 10 साल बाद आ जाते हैं लेकिन कोई हरकत इस शख्स की तरफ से नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती है, सही है। अगर मैं कोई नियत अंजाम दूं किसी काम की, यानी मैं उस काम के लिए कोशिश करने में मसरूफ हूं, लेकिन वो काम अंजाम पाने में अनसक्सेसफुल और नाकाम हो जाता हूं। नियत का मतलब इंसान हरकत में आए, ठीक है, कोशिश करे। जिस तरह मैंने आपको इस शख्स की मिसाल दी, ज़ाहिर अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की, खूब। अब जब इंसान एक नियत अंजाम देता है कि मुझे फलां काम करना है, फलां नेक काम करना है, और ये काम, कोई रुकावट आ गई, कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई फाइनेंशियल रुकावट है, कोई कंडीशंस और हैं जिसकी वजह से वो काम अंजाम नहीं पा रहा है, इज नॉट एबल टू डू इज वर्क, खुदावंद ने मुताल ने ये आलम नियात का निज़ाम ऐसे बनाया है कि ये काम और ये अमल उसके नामाए अमल में लिखा जाएगा और उसके असरात भी मुतरतब होंगे इसकी जिंदगी में। अगरचे अगरचे इसने ये अमल अंजाम नहीं दिया, लेकिन उसकी नीयत बजा लाई है, उसका इंटेंशन उसने किया है और सीरियस नीयत की है, सीरियस इंटेंशन किया है। तो नतीजे में आप देखिए बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई किताब लिखनी है, ठीक है, लेकिन कुछ मुश्किल हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किताब लिख ली है, एक किताब लिखी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने टाइप कर ली है और पीडीएफ इसकी सब कुछ बना दी है, पब्लिश करने में रुकावट है, मेरे पास फंड्स नहीं है, मसलन फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पब्लिश मैं नहीं कर पा रहा हूँ और बिलाखिर मेरी मौत भी हो जाती है, ठीक है, नामाए अमल में मेरा ये अमल लिखा मुझे नजर आएगा। खुदा कहेगा तूने कोशिश तो की, सही है, तूने किताब टाइप तो की अपने लैपटॉप में, अगरचे पब्लिश नहीं हुई है, सही है। तो देखिए खुदा का ये बेहतरीन निज़ाम है, इसी वजह से अहादीस में मिलता है कि अमल की वुसअत, अमल का वाइड होना, सही है, अमल की वुसअत और उसकी तंगी ये उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। आप देखें, जो जैसी आपकी और मेरी नीयत होगी वैसे ही मेरे अमल की वुसअत भी बनेगी। यहां पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अन्नियतो अफजलो मिनल अमल, कि नियत अमल से अफजल है, बढ़तर है। अब आप देखें अगली इबादत, इमाम बेहतरीन इबादत खूबसूरत बयान फरमाते कि अला खबरदार, आगाह हो जाओ, व इन्नियत ही अल अमल, और नियत वही अमल है। बस अमल जो मैं और आप अपने फिजिकल मूवमेंट से, फिजिकल हाथ और पांव से अंजाम देते हैं, अमल ये नहीं है, बल्कि अमल किया है इमाम सादिक फरमा रहे अलैहिस्सलाम कि अमल वो नियत है जो मैं अंजाम दे रहा हूं। ये फिजिकल जो है मूवमेंट, उस अमल, अमल दरूनी या उस नियत का नतीजा है, ठीक है, ये उसका आउटपुट है, अमल वही नियत है बस। फिर इमाम फरमाते हैं, अब इमाम ने एक आयत की यहां पर तिलावत फरमाई, वो आयत ये है, कुल ए नबी कह दो, कुल या अमल अला शाकिलते, हर अमल उसके फ्रेमवर्क और उसके चारचूब और उसकी शक्लो सूरत के मुताबिक अंजाम पाएगा। दोबारा सुने, कुल्लुन या अमल
يعمل على شاكلته، ہر عمل کا ایک شاکلہ ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے. پھر امام فرماتے ہیں، یعنی امام فرماتے ہیں اس شاکلہ کی کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یعنی علی نیتہ، یعنی اس کا اس کی نیت، عمل کی نیت. بس عمل نیت ہے. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو مبعوث کیا جائے گا. کہاں مبعوث کیا جائے گا؟ قیامت کے دن لوگوں کو مبعوث کیا جائے گا، یعنی دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. علی نیاتہم، ان کی نیتوں کے اوپر. دیکھیں، بس عالم نیات یہ وہ تحفہ ہے جو خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. عالم نیات کا تحفہ، عالم یعنی اعمال، نظام اعمال کا تحفہ، اور اس کے جو اثرات ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابلیس اور شیطان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں. رب زدنی، صحیح ہے، وہاں پر شیطان نے کہا تھا یا رب زدنی، خدایا تو اپنی طرف سے مجھے دے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا رب زدنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، زدنی. خدا بند متعال فرماتے ہیں التوبتو مبسوطتن الہین یبلغ النفس الحلقوم. اب یہاں پر خداوند متعال نے کیا عنایت کی ہے انسان کے اوپر، کیا رحمت نازل کی ہے، کیا نعمت دی ہے انسان کے اوپر. دیکھیں، خداوند متعال نے یہاں پر اب ایک اور سسٹم آف وجود انسان کے اندر رکھا ہے. وہ کیا سسٹم؟ سسٹم آف توبہ. توبہ سسٹم کے طور پر خداوند متعال نے حضرت آدم اور ہم سب کے اندر رکھا ہے، ساختار وجودی کے اندر، سٹرکچر آف وجودی کے اندر. بس توبہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم توبہ کے اوپر امید ہے انشاءاللہ دو یا تین سیشنز آئندہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن میں اس کی مثال دے دوں اور ہم اس سیشن کو یہاں پر اینڈ کریں گے. توبہ کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں، خداوند متعال نے انسان کے دو نظام بنائے. دو نظام، وہ کیا ہے؟ ایک نظام بدنی، بدنی باڈیلی نظام، اور دو نظام روحی، اسپرچل، اسپرچویلٹی کا نظام، سول کا نظام. بدن کے اندر جو مختلف، ایک تو نظام بدنی کلی طور پر ہے، لیکن اس نظام بدنی کے اندر بہت سارے سسٹم کار فرمائے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سسٹمز چل رہے ہیں ہمارے باڈی کے اندر، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اس میں سے ایک سسٹم کیا ہے؟ انسان کی باڈی کا ڈیفنسو سسٹم، نظام دفاعی، جس کو فارسی اور عربک میں کہتے ہیں نظام دفاعی، ڈیفنسو سسٹم آف دا باڈی. جب انسان کی باڈی کے اندر ایک مائکروب، ایک بیکٹیریا وارد ہوتا ہے، ورود پیدا کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، انٹر ہوتا ہے. میں یہ ورود، داخل، انٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ممکن ہے کوئی ایسا سننے والا ہو جس کو شاید ورود سمجھ میں نہ آئے، شاید اس کو وارد سمجھ میں نہ آئے، تو اس وجہ سے میں مختلف تعبیرات استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ٹائم ضائع نہیں ہے. اگر ایک مائکروب انسان کی باڈی میں داخل ہو جائے، انٹر ہو جائے، تو یہاں پر انسان کے نظام دفاعی، انسان کے ڈیفنسو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارے وجود کے اندر داخل ہوا ہے، صحیح، اور فوراً عمل میں آ جاتا ہے، فعالیت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ مائکروب چھوٹا موٹا ہوا، یعنی زیادہ بڑا نہیں ہوا، تو زیادہ لڑنے اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں اس مائکروب سے، اس ڈیفنسو سسٹم کو، تو فوراً ہوگا کیا؟ اس مائکروب کو ہلاک کر دے گا، صحیح ہے. اسی طرح خداوند متعال نے ہمارے نظام روحی کے اندر ایک ڈیفنسو سسٹم رکھا ہے. اگر اب دیکھیں، اس ڈیفنسو سسٹم کا نام کیا آپ بتائیں؟ توبہ. توبہ ہمارے روحی نظام کا ڈیفنسو سسٹم کا نام ہے. جب انسان گناہ انجام دیتا ہے،
और गुनाह का ये माइक्रोब इंसान के रूह के अंदर वारिद होता है तो नतीजे में हमारे रूही निजाम के अंदर एक अलर्टनेस, एक अलार्म बजने लगता है, फायर अलार्म बजने लगता है, ठीक है। और नतीजे में इंसान के अंदर एक चीज पैदा होती है, वो क्या है? निदामत, पशेमानी। इंसान फौरन, देखें, एक इंसान जब इंसान सबसे पहली दफा जिंदगी में सबसे पहली दफा गुनाह अंजाम देता है तो उसकी हालत बुरी हो जाती है। आप यूं समझे, अगर उसको हम स्ट्रीट लैंग्वेज में कहें, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। यानी गुनाह, मैंने गुनाह अंजाम दिया है, मैंने झूठ कैसे बोला, मेरे अंदर जुरअत कैसा कैसी पैदा हुई, किस तरह मेरे अंदर ये हिम्मत हुई कि मैं अपने माँ बाप के सामने झूठ बोलूं, अपने बड़े भाई के सामने झूठ बोलूं, मैं अपनी वाइफ के मुकाबले में अपने हस्बैंड के सामने मैं झूठ बोलूं। देखिए, पहली दफा जब इंसान झूठ कहता है या कोई और गुनाह अंजाम देता है, फौरन उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, ये असरात है उसकी बॉडी के अंदर जो मुतरतिब होते हैं। सही है। तो पशेमानी होना, निदामत होना, ये इंसान के वजूद का हिस्सा खुदा ने रखा है, ये उसके तौबा के सिस्टम का पहला अक्सुल अमल है कि इंसान पशेमान होता है। बस ये फिलहाल हम इसको यहीं रोकते हैं। हम इंशाल्लाह निजाम दिफाई रूही के बारे में इंशाल्लाह मुफस्सल बात करेंगे आफ्टर 2 और 3 सेशन इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम ये काम करेंगे, अब ये हजरत आदम की एक और डिमांड बाकी है इंशाल्लाह, वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। और कुछ और बातें और मतालिब शैतान के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। खुदावंद मुताल से दुआए, खुदाया हमें अपने सिस्टम ऑफ वजूद को समझने की तौफीक अता फरमा, और इसका जो है वो शाकिर होने की तौफीक अता फरमा, और इसको इस्तेमाल में खुदाया हमें लाने की तौफीक अता फरमा, और आखिर में शैतान को शिकस्त देने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد